सकती हैं सर। बिल्कुल 100% शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री। अवैध नशा कारोबारियों पर और बच्चों को नशे की लत लगाने वालों की अब नहीं है मध्य प्रदेश में खैर। नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर दी है सीएम शिवराज ने और आज मैं राजधानी भोपाल के गौतम नगर इलाके में बैठा हूं और कुछ महिलाओं से बात कर रहा हूं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार नशे के विरोध में जिस प्रकार से अभियान चला रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि आपने मेरा पूरा विषय सुना, सबसे पहले क्या दिमाग में आ रहा है? सबसे पहले तो ये दिमाग में आ रहा है कि जो ये उन्होंने जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसके ग्रस्त में आती जा रही है और इसका एक शौकिया तौर पे भी सेवन किया जा रहा है और हमारे जो समाज में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जैसे बारात के समय या जो हमारे स्कूली बच्चे हैं वो संगत के तौर पे लेते लेते इसकी लत में या इसके ग्रस्त में आ जाते हैं। फिर आके जाके इसका जो नुकसान होता है वो हमारे केवल परिवार पे ही नहीं पूरे समाज पर पड़ता है। उसी लत संगत को लेकर के साफ तौर पर कल सीएम शिवराज ने ये कहा है कि बच्चों को, आपने कभी अगर हुक्के का नाम सुना होगा और इस तरीके की जो भी धूम्रपान की चीज़ें होती हैं, इनको लेकर के साफ कहा है कि इसको पूरी तरह से मैं मध्य प्रदेश में बैन कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, हमारा समाज एकदम स्वच्छ समाज बन के आएगा और जो हमारी युवा पीढ़ी है आगे जाके जो ये नशे के उसमें आ गई है ये साफ सुथरी और बहुत परिवार को भी इससे फायदा होगा। जो परिवार में आजकल इसकी वजह से कलेश होते हैं और जो इन महिलाओं को इसका भुगतान करना पड़ता है, जैसे कई लोगों में तलाक हुआ या पारिवारिक बच्चे जो परेशानियां उठा रहे हैं, और अगर इसकी लत हट जाएगी, इस पे वेन लग जाएगा तो हमारे समाज में बहुत अच्छा वो संदेश पहुंचेगा कि हमारा समाज एक साफ सुथरा समाज हो जाएगा। कुछ दिनों पहले 12 नंबर पर एक कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज को एक महिला ने शिकायत की थी शराब को लेकर के, कि शराब पीकर लोग इधर उधर बदमाशियां करते हैं, और उसको लेकर के सीएम शिवराज ने कड़ा कदम उठाते हुए लगातार कार्रवाई की बात की थी। लोगों को खुले में शराब पीने पर बैन और तमाम चीज़ें हुई, कई शराब कारोबारी जो अवैध शराब कारोबारी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। क्या कहेंगी आप, एक महिला हैं और कई प्रकार की समस्याओं को अगर देखती होंगी? जरूर, बिल्कुल, लगातार कार्रवाई की बात की थी, लोगों को खुले में शराब पीने पर बैन और तमाम चीज़ें हुई, कई शराब कारोबारी जो अवैध शराब कारोबारी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। क्या कहेंगी आप, एक महिला हैं और कई प्रकार की समस्याओं को अगर देखती होंगी? जरूर, बिल्कुल, रोड पे पीना या कहीं पर भी बाहर शराब पीना बिल्कुल अवैध है और इसको बंद ही करना चाहिए ताकि आसपास निकलने वाली जो महिलाओं हैं उनके साथ छेड़खानी भी बंद हो जाएगी। लोगों को ये लगता है कि हम शराब पी रहे हैं लेकिन वो ये नहीं जानती कि शराब इंसान को पी रही है। ऐसे में सीएम शिवराज ने साफ तौर पर मनाही की है और इसके साथ में ही जो बच्चे शुरुआती कुछ इधर उधर के धूम्रपान की चीज़ों को लेकर के, जैसे हुक्के के लिए उन्होंने मना, जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोबारा बनेगी, क्या कहेंगी इस पे? अगर ये पहल होती है तो मैं श्योर कहूंगी कि 100% उनकी सरकार दोबारा बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है सर, बिल्कुल 100% शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। सियासी गलियारों में उनके यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नशा मुक्ति अभियान के बाद ये लगातार चर्चा चल रही है कि महिलाओं को जहां एक और इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी और जो जिस प्रकार से नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चल रहा है इससे वर्ष 2023 में चुनावों में भी फायदा मिलेगा, जैसा कि सभी यहाँ पे बैठी महिलाओं ने बताया है। इस प्रकार की खबरें हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे और आपको भी हमारे साथ ऐसे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।